पूरा एरिया पार्किंग के लिए डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए तोड़ने की कार्यवाही ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। एक बिल्डिंग तो है जो आरपीएफ के पास थी, उनके इंटेलिजेंस के पास थी, वो बिल्डिंग ऑलरेडी टूटनी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा एक ऑफिसर रेस्ट हाउस है वहाँ पे, उसको 3 मंजिला है, तो उसको भी हम तोड़ने जा रहे हैं, और उससे इन दोनों को मिला के काफ़ी एरिया एक एडिशनल मिल जाएगा पार्किंग के लिए। इसके अलावा एक अम्बाला मंडल में कमी थी हमारी कि कहीं पर जो पुराना हेरिटेज स्टीम इंजन है वो किसी भी हमारे स्टेशन पर नहीं था, तो हमने शुरुआत उसमें करी है, उसका ऑलरेडी हमें सेंक्शन मिल गया है अम्बाला स्टेशन के लिए, तो स्टीम इंजन भी लगाने जा रहे हैं हम एंट्री साइड में, जहाँ पे आपका अभी पे एंड यूज़ टॉयलेट बना है नया, उसके सामने एक नया स्टीम इंजन लगेगा। और इसके अलावा 2 स्टेशन पे और 3 और इसके अलावा भी हमारे सेंक्शन हो रहे हैं स्टीम इंजन जो बाकी स्टेशनों पे लगे। और कुछ सर क्या नया होने वाला है? इसके अलावा हमने जो जैसे मोदी जी का सफाई स्वच्छता का आह्वान है, उसके संबंध में हमने पूरा का पूरा गियरअप कर लिया है, स्टेशन की क्लीननेस अलग करी है, और यार्ड में क्लीनिंग की प्रॉब्लम रहती है बहुत ज़्यादा, उसको हमने फोकस किया उस पर, उसको हमने एरिया बांट दिया है। स्टेशन का एरिया जो है हमारा कमर्शियल विभाग देखेगा, और जो सीनियर स्टेशन मैनेजर है वो देखेंगे, और जो यार्ड का एरिया है वो हमारे इंजीनियरिंग ऑफिसर्स देखेंगे, उसके लिए उनको सेपरेट फंड दे दिया है हम लोगों ने, और रेगुलरली यार्ड की भी सफाई अब रहा करेंगे। सफाई